अंबाला बस अड्डे पर एकत्र पांच जिलों की आशा वर्कर्स का सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। बरसात के बावजूद कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला, कैथल और अंबाला की हजारों आशा वर्कर्स ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आधिकारिक स्तरीय वार्ता विफल हो जाने के बाद मांगे मनवाने के लिए भूखी प्यासी कर रही है नारेबाजी। से हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर हड़ताल पे हैं। हमारी मांग है कि हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए। कोविड के दौरान जो हमारा वेतन कटौती हुई है, हमारी प्रोत्साहन राशियों के अंदर कटौती की गई है। यहाँ तक कि कोविड के लिए दिया गया हमारा जो प्रोत्साहन राशि था उसके अंदर भी कटौती की गई है। हम उसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हम अपने लिए सुरक्षा उपकरणों की बात कर रहे हैं। पूरे प्रेस में पहले भी काफ़ी ज़्यादा आया कि जब आशा घर घर जाके कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे थे, उस वक्त पे आशा ने अनेकों हमले झेले। उन हमलों में न केवल आशा घायल हुई हैं बल्कि आशा के परिवारजन भी घायल हुए हैं। हम उनकी सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। आशा वर्कर्स की प्रांतीय महासचिव सुरेखा की मांग है कि जब तक हमें पुख्ता आश्वासन नहीं मिल जाता हम अपना आंदोलन वापस नहीं करेंगे। वहीं आशा वर्कर्स के जबरदस्त प्रोटेस्ट को देखते हुए मंत्री निवास शास्त्री कॉलोनी गेट के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस बल के साथ पानी बौछार की गाड़ी का इंतजाम भी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मांगे न मानने से नाराज पांच जिलों की हजारों आशा वर्कर्स ने बरसात के बावजूद बस स्टैंड पर जमकर नारेबाजी की। स्वास्थ्य विभाग ने ACS स्तरीय वार्ता विफल होने के बाद और सरकार के टालमटोल रवैये से गुस्साई हजारों आशा वर्कर्स ने आज बस स्टैंड कैंट से नारेबाजी करती हुई स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निवास स्थान की ओर कूच किया। उनका कहना है कि वे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निवास स्थान के बाहर धरना देंगी। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।